हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारा विषय हिंदी सप्ताह उन्नीस कक्षा पाँच की वर्कशीट आज का उप विषय है संख्या और पैटर्न तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए पहला प्रश्न है संख्या पैटर्न को पूरा करें तो देखिए बच्चों पंद्रह बीस पच्चीस तो बच्चों इसमें हमने पाँच पाँच अंक जोड़े तो पंद्रह में पाँच जोड़ा बीस बीस में पाँच जोड़ा पच्चीस पच्चीस में पाँच जोड़ेंगे तीस तीस में पाँच जोड़ेंगे पैंतीस पैंतीस में पाँच जोड़ेंगे चालीस इसी तरह अट्ठाईस तीस बत्तीस तो बच्चों इसमें हमने दो जोड़ा अट्ठाईस में दो जोड़ा तीस तीस में दो जोड़ा बत्तीस बत्तीस में जो दो जोड़ा चौंतीस चौंतीस में दो जोड़ा छत्तीस और छत्तीस में दो जोड़ा तो अड़तीस एक सौ पैंसठ एक सौ छियासठ एक सौ सड़सठ तो बच्चों एक एक हमने इसमें जोड़ा अब एक सौ सड़सठ में एक जोड़ेंगे तो एक सौ अड़सठ फिर एक जोड़ेंगे एक सौ गुणहत्तर और फिर एक जोड़ेंगे तो एक सौ सत्तर अगला आठ सौ आठ सौ दस आठ सौ बीस तो बच्चों इसमें हमने दस दस जोड़े तो आठ सौ बीस में दस जोड़ेंगे आठ सौ तीस आठ सौ तीस में दस जोड़ेंगे आठ सौ चालीस आठ सौ चालीस में दस जोड़ेंगे आठ सौ पचास अगला है चौबीस बीस सोलह तो देखिए बच्चे इसमें चार चार घट रहे हैं चौबीस में चार घटाए बीस बीस में चार घटाए सोलह सोलह में चार घटाएंगे आठ आठ में चार घटाएंगे सॉरी सोलह में चार घटाएंगे बारह बारह में चार घटाएँगे आठ आठ में चार घटाएंगे तो चार इस तरह से बच्चों आप सभी को ये संख्या पैटर्न पूरा करना है अगला है प्रत्येक पैटर्न को उसके नियम के अनुसार जारी रखते हुए पूरा करें तो पहला नियम है आठ जोड़ें तो जीरो में आठ जोड़ा आठ आठ में आठ जोड़ा सोलह सोलह में आठ जोड़े जोड़ेंगे तो बच्चों कितने हो जाएंगे चौबीस चौबीस में आठ जोड़ेंगे बत्तीस बत्तीस में आठ जोड़ेंगे चालीस ठीक है बच्चों ये इस तरह से पूरा करना है अगला है नियम दो तीन घटाना है तीस में से तीन घटाए सत्ताईस सत्ताईस इक्कीस पंद्रह अगला है नियम दो दो से गुणा करना तो देखिए दो को दो से गुणा किया चार चार को दो से गुणा किया आठ आठ को दो से गुणा किया सोलह सोलह को दो से गुणा किया बत्तीस बत्तीस को दो से गुणा किया चौंसठ अगला है नियम एक घटाओ आठ सौ में से एक घटाए सात सौ निन्यानवे सात सौ निन्यानवे से एक घटाए सात सौ अट्ठानवे इसी तरह बच्चों इसमें से एक घटाएंगे तो सात सौ सत्तानवे फिर सात सौ छियानवे और फिर सात सौ पंचानवे अगला नियम है दस जोड़ो इकतीस तो में दस जोड़ा इकतालीस इकतालीस में दस जोड़ा इक्यावन इक्यावन में दस जोड़ा इकसठ इकसठ में दस जोड़ा इकहत्तर इकहत्तर में दस जोड़ा इक्यासी ठीक है अगला है पैटर्न प्रश्न तीन पैटर्न को पूरा करने के लिए खाली स्थान में संख्या भरें तो देखिए बच्चों छः दस चौदह सोलह तो बच्चों इसमें सभी में दो दो हमने जोड़ा है तो छः में दो जोड़ा आठ आठ में दो जोड़ा दस दस में दो जोड़ा बारह बारह में दो जोड़ा चौदह चौदह में दो जोड़ा सोलह अगला पिचहत्तर सत्तर साठ पैंसठ पन पचपन तो बच्चों देखिए इसमें कम हो रहे हैं पाँच पाँच कम हो रहे हैं तो देखिए अस्सी अगर यहाँ होगा तो इसमें पाँच कम पिचहत्तर पिछहत्तर में पाँच कम सत्तर सत्तर में पाँच कम पैंसठ पैंसठ में पाँच कम साठ साठ में पाँच कम पचपन अगला तीन छः नौ पंद्रह तो देखिए बच्चों तीन में तीन जोड़ा छः छः में तीन जोड़ा नौ नौ में तीन जोड़ेंगे बारह बारह में तीन जोड़ेंगे पंद्रह और इसी तरह पंद्रह में तीन जोड़ेंगे अट्ठारह अगला है तीस चालीस साठ अस्सी तो तीस में दस जोड़ा चालीस चालीस में दस जोड़ा पचास पचास में दस जोड़ेंगे तो साठ साठ में दस जोड़ेंगे सत्तर और सत्तर में दस जोड़ेंगे अस्सी ठीक है बच्चों इस तरह से आप सभी को ये पैटर्न पूरा करना है अगला है निम्नलिखित सं संख्य में संख्या भरकर उनका जोड़ करके पैटर्न को बनाइए तो देखिए बच्चों एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इनको जोड़ा पचपन इसी तरह ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इनका जोड़ हुआ एक सौ पचपन इसी तरह इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इनका योग होगा दो सौ पचपन अगला है इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इनका योग होगा तीन सौ पचपन अगला है इकतालीस बयालीस तितालीस चवालीस, पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास इसका योग होगा बच्चों चार सौ पचपन अगला है इक्यावन बावन त्रेपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ इसका योग होगा पाँच सौ पचपन अगला है इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर सत्तर इसका योग होगा छः सौ पचपन चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं चार नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर संख्या का अंदाज़ा लगाइए यह है सौ के आधे से बड़ी है तो सौ का आधा कितना होता है बच्चों तो सौ का आधा होता है पचास तो बच्चों पचास से बड़ी है ये संख्या ये छः ढाई से ज्यादा और सात ढाई से कम है तो बच्चों छः ढाई से तो ज्यादा है और सात ढाई से कम है ठीक है इससे तो ज्यादा है और इससे कम है ढाई का अंक इकाई के अंक से एक ज्यादा है बच्चों ढाई का अंक इकाई के अंक से एक ज्यादा है संख्या के अंक अंकों का जोड़ है पैंसठ और इनका सॉरी ग्यारह इनका जो जोड़ आएगा दोनों संख्याओं का वो क्या आएगा ग्यारह तो हमारी संख्या क्या होगी छः और पाँच यानी कि पैंसठ देखिए ठीक है बच्चों अगला है एक संख्या लो हमने ली एक संख्या दस उसे दुगुना करो तो दस का दुगुना होगा बीस अब पांच से गुना करो तो बीस को पांच से गुना किए उत्तर को दस से भाग दो तो सौ को दस से भाग दिया तो आ गया सौ तो हमने जो संख्या ली थी वही संख्या यहाँ आ गई अगला है अपनी आयु लिखिए उसमें पाँच जोड़े तो जैसे बच्चों आपकी आयु है पाँच उसमें हम पाँच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दस जोड़ को पांच से गुणा करें अब इसको सॉरी दो से गुणा करेंगे तो आया बीस अब उसमें दस घटाइए इसमें दस घटाना है तो कितना हो गया दस फिर दो से भाग दें अब इसको दो से भाग देंगे तो कितना हो गया पाँच आपको क्या मिला नीचे लिखे हमको क्या मिला पाँच जो हमारी आयु थी पाँच वही हमें यहाँ अंक मिला अगला है बच्चों जीवन कौशल दूरी की इकाई का ज्ञान तो बच्चों देखिए दूरी हम किलोमीटर और मीटर में मापते हैं ठीक है थीके? तो बच्चों देखिए जो लंबी दूरी होती है उसे हम किलोमीटर में और जो छोटी दूरी होती है उसे हम मीटर में मापेंगे पहला प्रश्न है इन्हें आप कौन सी इकाई में मापेंगे किलोमीटर या मीटर में लिखें आपके गांव घर से गांव की दूरी बच्चों ये दूरी ज़्यादा है तो इसे हम किलोमीटर में मापेंगे कमरे से रसोई घर की दूरी इसे हम मीटर में मापेंगे आपके घर से एक घर छोड़कर अगले घर की दूरी ये भी हम मीटर में मापेंगे आपके घर से विद्यालय की दूरी इसे हम किलोमीटर में मापेंगे अगला है आपके घर से किराने की दुकान की दूरी इसे हम मीटर में मापेंगे और आपके घर से आपके दोस्त की घर की दूरी इसे हम मीटर या किलोमीटर में माप सकते हैं जरूरी नहीं भी बच्चों दूर हो पास भी हो सकता है ठीक है अगला है प्रश्न दो दूरी को मापने के लिए आप अपने कुन दो इकाइयों का प्रयोग करा है लिखिए तो बच्चों देखिए दूरी को हम मापते हैं किलोमीटर में और मीटर में अगला है बच्चों संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें अपने खुद के सपनों का निर्माण करें या कोई और आपको उनके सपनों के निर्माण के लिए काम पर रखेगा खाना पीना घर पर तैयार किया हुआ कोई भी मीठा व्यंजन जैसे खीर हलवा सेवैया इत्यादि गतिविधि रसोई में मसालों के डिब्बों पर मसालों के नाम की चिट चिपकाना खेल पोषंपा वही पा खेल आप सभी को खेलना है दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें प्रतिदिन स्नान करें खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना होगा उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएँ कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद